जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, एडसेंस को कैसे लिंक करेंगे और एड्स को कैसे अर्न करेंगे ताकि अर्निंग स्टार्ट हो जाए। मोनेटाइजेशन यानी कि YouTube मोनेटाइजेशन के चार क्राइटेरिया होती है। पहला है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे होने चाहिए और आपकी ईमेल आईडी पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए और कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे आपके 1 साल के अंदर होने चाहिए। 1 साल का मतलब यह है कि यानी कि 365 दिन, यानी कि जिस डेट को आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पीछे 1 साल जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि आपका चैनल 2 साल पहले बना था, आप वीडियो 2 साल पहले से डाल रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। जिस दिन आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उससे पिछला 1 साल जोड़ा जाएगा, केवल 1 साल यानी 365 डे जोड़ा जाएगा। उसके अंदर आपका 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। चलिए अब बताते हैं हम आपको कि अब आप मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउजर ही ओपन कीजिए। इसके बाद में आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और चेक कर लेंगे कि वही ईमेल आईडी यहां पर दिखनी चाहिए जो आपकी यूट्यूब ईमेल आईडी है। अगर दूसरा कोई ईमेल आईडी है तो आप क्रोम के सेटिंग में जाके अपनी यूट्यूब ईमेल आईडी को चेंज करके यूट्यूब ईमेल आईडी कर सकते हैं। इसके बाद में आप दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और आपको एक ऑप्शन दिखेगा डेस्कटॉप साइड, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में आप एक ऑप्शन दिखेगा, या तो आप सर्च कर लेंगे youtube.com या नीचे अगर दिखता है यूट्यूब तो उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में यहां पर आपका दिखेगा आइकन, आपके लोगो दिखेगा आपके चैनल का, तो इस पे आपको क्लिक करना होगा। राइट कॉर्नर में दिखेगा छोटा सा, उस पे आपको क्लिक करना होगा और एक ऑप्शन दिखेगा यूट्यूब स्टूडियो, उस यूट्यूब स्टूडियो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपके मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो का एप्लीकेशन होगा तो ये डायरेक्ट वहां पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा, तो आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन को डिलीट कर लेना होगा। तो यहां से आप डिलीट कर दीजिए पहले, दे मैं कर लेता हूं इसको अनइंस्टॉल। अब दोबारा मैं क्रोम ब्राउजर में आता हूं और दोबारा मैं जाता हूं अपने लोगो पे क्लिक करता हूं और दिखेगा मुझे यूट्यूब स्टूडियो, उस पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा। जैसे ही दोबारा क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा डॉलर का, देखिए यहां देखते हैं डॉलर का आइकन बना हुआ है, इस डॉलर के आइकन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको दिखाएगा कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, 4000 घंटे कंप्लीट होने चाहिए और आपके ईमेल आईडी का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। अगर ऑन नहीं है तो आप जीमेल आईडी में जाएंगे, वहां से ऑन करेंगे। और एक ऑप्शन दिख रहा है 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, इसका मतलब कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2 स्टेप वेरिफिकेशन सेटिंग से ऑन कर सकते हैं जीमेल आईडी के, मैंने जीमेल आईडी पे जाके। इसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ, इस वाले अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होगा। इसके बाद में दिखेगा स्टेप फर्स्ट, के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, 3 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप है उसके नीचे है स्टार्ट, उस वाले ऑप्शन पे स्टेप फर्स्ट के स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और थोड़ा यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिखेगा आपको, अगर आप चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, अन्यथा आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और एक बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स पे आपको टिक करके इसको टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर लेना होगा। तो मैं बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे उसके आप देखेंगे राइट स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्ट टर्म्स, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर लेंगे इसके बाद में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड या 30 सेकंड लगेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लिखा है स्टेप फर्स्ट जो है वो डन हो चुका है। अब स्टेप सेकंड है आपका आपके यूट्यूब चैनल से गूगल एडसेंस लिंक करने का, तो उसके नीचे स्टेप 2 के नीचे ऑप्शन दिखेगा
स्टार्ट, इस पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए लिखा है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, फिर स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप इस पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने थ्री ऑप्शन आ जाएंगे कि क्या इससे पहले आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना है या नहीं बना है, या आप एक नया बनाना चाहते हैं, या आपको पता नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे तो पहला देखिए यहां पर ऑप्शन दिखेगा कि यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, मतलब मेरे पास पहले से एक गूगल एडसेंस अकाउंट है, वो आप इस यूट्यूब लिंक से लिंक कर सकते हैं, या नो आई हैव नो एग्जिस्टिंग अकाउंट, यानी इसकी इसका मतलब है कि मेरे पास अकाउंट नहीं है गूगल एडसेंस का, और नीचे आई डोंट नो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मेरे पास गूगल एडसेंस का अकाउंट नहीं है, तो नो वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेता हूं और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी होगी यहां पर दिखने लगेंगी, आप अपने जिस भी ईमेल आईडी से आप गूगल एडसेंस बनाना चाहते हैं उसको चूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब वाले ईमेल आईडी से भी गूगल एडसेंस बना सकते हैं, या किसी अदर ईमेल आईडी से भी गूगल एडसेंस बना सकते हैं। तो मैं यूट्यूब ईमेल आईडी को ही चूज कर लेता हूं गूगल एडसेंस के लिए। इसके बाद में जैसे मैं चूज करता हूं, यहां पर ऑटोमेटिक आपके यूट्यूब का लिंक यहां पर मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नीचे है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहां से अपना कंट्री चूज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और आप सर्च करेंगे, या आप नीचे देखेंगे आपको दिखेगा इंडिया, इंडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद में जैसे ही आप इंडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे। टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं या स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहां पर नीचे आते हुए आपको दिखेगा यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस वाले ऑप्शन पे बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना, टर्म एंड कंडीशन बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम। बट आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे यानी बॉक्स पे क्लिक करके आपको क्रिएट एड अकाउंट यानी क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना होगा। तो मैं एस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और मेरे ऑप्शन आ गए हैं क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लगेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको एड्रेस और अपना नाम डालना होता है। इसके बाद में यहाँ पर इंडिविजुअल ही सेलेक्ट रहने दीजिए। इसके बाद में है आपका नेम, आपको अपना नेम पैन कार्ड के अनुसार डालना है, आधार कार्ड का यूज नहीं करना है। आपके पैन कार्ड में जैसा है आपका नाम, उसको एड्रेस यहाँ पर मतलब कि अपना नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे, विलेज क्या है, पोस्ट क्या है। फिर एड्रेस लाइन 2 में डाल देंगे कि आपका सिटी क्या है, यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में है नीचे आपको मतलब सारा डिटेल आपको भरना है। फिर सिटी में अपना सिटी क्या है, पोस्ट कोड मतलब पिन कोड क्या है, स्टेट क्या है, ऑप्शनल है फोन नंबर का, इसको छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद में आपको लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे यानी राइट में करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट। सारा डिटेल भरने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा रीडायरेक्ट, इस रीडायरेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं लिखा है स्टेप 2 एडसेंस जो है वो क्या है, इन प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होंगे, मतलब आपको सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम ब्राउजर में, इसको आप काट दीजिएगा। इसके बाद में आप अपने दोबारा जाएंगे क्रोम ब्राउजर में, वहां सर्च करेंगे गूगल एडसेंस, आपको सर्च करना होगा गूगल एडसेंस सर्च करेंगे। जैसे ही गूगल एडसेंस आप सर्च करेंगे, आपके सामने उसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो दिख रहा है गूगल एडसेंस लॉगिन, देख सकते हैं छोटे में लिखा है लॉगिन, आपको लॉगिन या साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम लॉगिन पे दिख रहा है तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूं। इसके बाद में जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ऐसा आएगा कि बी आर रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने जो एड्रेस दिया है, नाम दिया है, उसको मैं रिव्यू करूंगा। और इसके बाद में जैसे ही रिव्यू होता है ऐसा इंटरफेस आपके गूगल एडसेंस में बन जाएगा। इसके बाद में दोबारा अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाइएगा, वहां पर आप देख पाएंगे कि जैसे ही गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है आपका जो स्टेप नंबर 3 है वो रिव्यू में चला जाएगा, यानी अब आपके यूट्यूब का वीडियो रिव्यू में हो रहा है। लगभग 1 या 2 दिन बाद, किसी का 1 दिन होता है, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन लग जाता है यूट्यूब यानी मोनेटाइजेशन होने में। तो आप लगभग, मैं बता रहा हूं लगभग में, कि 1 या 2 दिन बाद दोबारा आपके पास एक मेल आएगा
और उस मेल में लिखा रहेगा कांग्रेचुलेशन अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। देखिए लिखा कांग्रेचुलेशन योर यूट्यूब चैनल हैज बीन एक्सेप्टेड इनटू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ऐसा ऑप्शन आपके मेल पर आ जाएगा। अब आपको दोबारा क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करेंगे, चलिए फिर अगेन आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, यूट्यूब स्टूडियो में जैसे ही आप ओपन करेंगे यूट्यूब स्टूडियो को आप, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, देखिए लिखा रहेगा कि वेलकम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यानी अब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है। फिर गॉट पे क्लिक करेंगे और आप दोबारा डॉलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे जहां मैंने बताया था, और यहां से अपना एडसेंस अकाउंट देख सकते हैं जो आपने लिंक किया है। इसके बाद में यहां एक ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन एड्स, टर्न ऑन एड्स, इस पे आपको क्लिक कर लेना होगा। आप कौन कौन सा एड्स दिखाना चाहते हैं अपने वीडियो में तो सभी पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में नीचे यानी कि स्क्रॉल करेंगे, नीचे नहीं मतलब राइट में स्क्रॉल करेंगे, आपको एक ऑप्शन दिखेगा नेक्स्ट का, देखिए बता देता हूं, यानी सारे के सारे बॉक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, कोई भी बॉक्स आप छोड़िएगा नहीं। इसके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन दिखेगा मोनेटाइजेशन ऑल, मोनेटाइज ऑल, इस पे आपको क्लिक करके अपने सारे वीडियो जितने भी हैं सभी वीडियो पर मोनेटाइजेशन को ऑन कर लेना है ताकि सभी वीडियो पर एड्स चले और आपको पैसे मिले। फिर देखिए लिखा है अपडेटेड वीडियो, यानी सारे वीडियो पर क्या मोनेटाइजेशन ऑन हो रहा है। तो अब आप इसके बाद में यहाँ आएंगे किस पे, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वीडियो वाले, और यहाँ पर देखेंगे सारे वीडियो के बगल में लिखा होगा मोनेटाइज, और सब में देखेंगे यहाँ पर ऑन हो जाएगा। अगर किसी पे ऑन नहीं लिखा है, ऑफ लिखा है, तो आप उसी पे ऑन पे क्लिक करके आप उसको ऑन कर लेंगे, और ऑफ बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। आप किसी भी वीडियो पर ऑफ नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो उस वीडियो के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो सभी वीडियो पर ऑन होना चाहिए, और यहाँ से देख सकते हैं ऑन और ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, अगर कोई ऑफ है तो यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। ये हुआ आपका टोटल कंप्लीट प्रोसेस जिससे आपका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, गूगल एडसेंस लिंक हुआ, सारे वीडियो का एडसेंस भी ऑन हो गया, यानी कि एड्स भी ऑन हो गए, अब आपको पैसे मिलने वाले हैं। इसके अगले के वीडियो में क्या क्या स्टेप, इसके आगे स्टेप क्या क्या है मोनेटाइजेशन होने के बाद में, मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद का स्टेप है, पहली बात तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इंफॉर्मेशन भरना होता है। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद में एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, यानी इसे पिन कोड वेरिफिकेशन कह सकते हैं। इसके बाद में आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है। ये चार स्टेप मोनेटाइजेशन हो जाने के बाद होते हैं। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सभी प्लेलिस्ट को मैं यानी कि इसी प्लेलिस्ट में मैं आपको सारे वीडियो बना दूंगा, जैसे कि क्या क्या स्टेप, इसके बाद स्टेप क्या करना होता है, उसके बाद क्या स्टेप करना होता है, सारे स्टेप मैं आपको बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को तो जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं आगे का वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।